हाँ, मॉर्निंग जो हमारा डीप डिप्रेशन था वो साइक्लोन बता हुआ है अभी, तो इसका 17:30 मीन्स हमारा इवनिंग टाइम में, अभी 5:30 बजे इवनिंग टाइम में इसका साइक्लोन हुआ है। साइक्लोन का नाम है गुलाब। इसका लोकेशन गोपालपुर से आप ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 किलोमीटर दूर में है। इसका मूवमेंट अभी नियरली वेस्टर्ली रहेगा और कोलिंगापत्तनम और गोपालपुर का बिटवीन में, बीच में इसका कल क्रॉसिंग को क्रॉस करने का चांसेस है कल इवनिंग तक। ठीक है, तो इसका प्रभाव में हम लोग ऑलरेडी जो वार्निंग दे चुका है, हैवी टू वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल 24 आवर्स में, मीन कल ही इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। सबसे कल सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा। कल हैवी टू वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कुछ कुछ जिला में होगा, मेनली साउदर्न जिला का है, मलकानगिरी, कोरापुट, गोराईगरा, गजपति, गंजाम, नवरंगपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में है। विंड मीन सबका स्ट्रांग सरफेस विंड जो है उस मेनली हमारा गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स में, इस गंजाम, गजपति, पुरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में विंड का अलोंग द कोस्ट लाइन मेनली गंजाम आते हैं, तो गंजाम में ज़्यादा विंड स्पीड होने का चांसेस है अलोंग द कोस्ट। इसमें गजपति में भी विंड होगा क्योंकि कोस्ट से थोड़ा दूर है। इसमें हमारा विंड स्पीड 65 to 75, गस्टिंग टू 85 तक जा सकता है मैक्सिमम। उसका बाद फिर आप जितना डिस्टेंस में जाएंगे धीरे धीरे विंड स्पीड कम होता रहेगा। इसमें हमारा 55 to 65 कुछ एरिया में है गस्टिंग टू 75, फिर 55 गस्टिंग टू 65 भी कुछ एरिया में है। और स्टॉर्म सर्ज मीन्स हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ऐसा जो होता है नॉर्मली उससे 0.5 मीटर मेनली गंजाम डिस्ट्रिक्ट के लिए है स्टॉर्म सर्च, बाकी डिस्ट्रिक्ट में स्टॉर्म सर्च का वार्निंग नहीं है। और पोर्ट वार्निंग ऑलरेडी जारी है, फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए बिल्कुल माला है 27 तक। ठीक है, हाँ, इसका प्रभाव में ज़्यादा ट्री फॉल का चांसेस नहीं है, बट ब्रांचेस जो बड़ा बड़ा ब्रांच है वो टूट सकता है और छोटा काच ये भी हो सकता है, बट ट्री अपरूटेज का चांसेस नहीं है, बट ब्रांचेस ऑफ ट्री ब्रेक हो सकता है, मतलब टूट सकता है, जो आपका शाखा प्रशाखा बोलते हैं ना कि उड़िया में, तो उसमें वो आपका टूट सकता है ब्रांचेस ऑफ ट्री में। इसमें इसका ब्रांचेस ऑफ ट्री पावर कम्युनिकेशन लाइन में पड़ जाएगा तो फिर उसका डैमेज हो सकता है, तो माइनर डैमेज इसके लिए पावर कम्युनिकेशन का हो सकता है। जो मिट्टी का जो हाउस होता है मट्टी, उसमें कांचा जो हाउस होता है उसमें वॉल कोलैप्स होने का चांसेस है, क्योंकि हैवी रेनफॉल रहेगा उसका साथ भी विंडो, तो वॉल कोलैप्स होने का चांसेस है। तो इसीलिए वल्नरेबल जो स्ट्रक्चर है, थ्रस्ट जो हाउस है, जैसा छोटा छोटा जो आपका थ्रस्ट टाइप हाउस बनाता है उसमें नहीं रहना है। ठीक है, और टेम्पोरारी फ्लडिंग हो सकता है। हमारा ऋषिकुला, नागावली, वंशधारा, लोअर महानदी का कुछ पोर्शन में रिवर लेवल राइज होने का चांसेस है, तो फ्लड फोरकास्ट का जो हमारा CWC देते हैं सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन, उसको देखना होगा, ध्यान रखना।